नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक शेरा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। ये तस्वीरें आप बाड़मेर शहर के सोन नदी की देख रहे हैं, जहां पर एक ऐसी खबर सूचना मिली है कि एक युवक इस नदी के अंदर डूब गया है और जिसके बाद उस युवक को निकालने के लिए रेस्क्यू टीम भी यहां पर पहुंची है और आसपास के लोगों की आप देखिए यहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई है। हालांकि एम्बुलेंस, पुलिस और जो गोताखोर हैं इसको निकालने के लिए वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। नागरिक सुरक्षा की टीम भी यहाँ पर पहुँच चुकी है और आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई है। अभी कौन युवक है, क्यों डूबा है, कैसे क्या हुआ है, पूरी बात अभी तक सामने नहीं आई है। और गोताखोर है वो देखिए आप किस प्रकार से गोते लगा रहे हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि कैसे उसे बाहर निकाला जाए। लगातार आप देखिए कोशिश की जा रही है, गोताखोर गोते लगा रहे हैं और जो युवक डूबा है उसे बाहर निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। बाड़मेर शहर के सोन तालाब जो है वहाँ की मैं आपको तस्वीरें लाइव दिखा रहा हूँ, लाइव नज़ारे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ भाई साहब खड़े, इनसे पूछते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका और क्या सूचना मिली थी? मेरा नाम राम सिंह है। मैं तो अभी आया हूँ 5 मिनट पहले। हाँ, और कम से कम आधा घंटा हो गया है ये। हाँ, कौन था कुछ पता चला है? वो कोई पता नहीं अभी। अच्छा, तो यहाँ पर लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई है, तो कोशिश कब से की जा रही है उसको निकालने के लिए? गोताखोर अंदर देखे जा रहे हैं, लगभग हो गए 15-20 मिनट। 15-20 मिनट हो गए हैं। आप देखिए जो बाड़मेर की सोन तालाब जो है वहाँ की मैं आपको तस्वीरें लाइव दिखा रहा हूँ। एक युवक जो है वो पानी के अंदर डूब गया है और उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। एक और भाई साहब यहाँ पर है। अच्छा, क्या नाम भाई साहब आपका? डूंगर सिंह। डूंगर सिंह, क्या हुआ, कौन था ये? पता है, हमारे पड़ोस में रहने वाला खरवाड़ है। हाँ, समू नाम है उसका। हाँ, सुबह स्कूल गया था, पता नहीं फिर कहाँ आ गया, सोन नदी में डूब गया। तैरने आया था क्या, पता अभी चला नहीं है, वो कुछ पता नहीं है। कितनी उम्र का बच्चा है वो? होगा 15-16 साल का। जैसे देखिए अभी भाई साहब बता रहे हैं कि छोटा बच्चा है, स्कूली छात्र हैं और सोन नालाब में यहाँ पर आया था और उसके बाद यहाँ पर पानी में डूब गया है और उसे निकालने की कोशिश भी की जा रही है। यहाँ पर देखिए लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है, पुलिस पहुँची है, एम्बुलेंस की गाड़ियाँ भी पहुँच चुकी हैं। तभी रेस्क्यू किया जा रहा है, उसे बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर लोगों की भीड़ हुई है इकट्ठा, जब देखिए, और रेस्क्यू जो है ऐसा बताया जा रहा है कि गांधी चौक में पढ़ने वाला स्कूली छात्र हैं जो यहाँ पर बच्चों के साथ आए थे और ये फिर और रस्सियों के सहारे कोतवाली पुलिस यहां पर पहुंच चुकी है। लोग भी इसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक स्कूली छात्र है, गांधी चौक स्कूल में पढ़ता है और यहां पर कुछ अन्य बच्चों के साथ यहां पर आए थे और यहां बच्चा पानी में इसमें हो चुका है। सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कोतवाली पुलिस और आसपास के लोगों की भी यहाँ पर देखिए भीड़ हो चुकी है। सिविल डिफेंस की टीम यहाँ पर पहुंची है और अन्य लोग भी सहायता के लिए यहाँ पहुंच चुके हैं और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके उस बच्चे को बाहर निकाला जाए। सब ठीक है, बड़ी वार्ता आया।